हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे मैंगो चीज केक या मैंगो भप्पा दही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको केवल तीन चीजों की जरूरत है, आधा किलो दही, एक टिन कंडेंस मिल्क और एक बड़ा आम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंगो चीज केक बनाने के लिए हम लेंगे आधा किलो दही, जिसे हम पहले कपड़े में डाल देंगे और इसका पानी निकाल देंगे। कपड़े में दही को निकालने के बाद हम इसको हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि इसका पानी निकल आए। और अब हम इसको साइड में रख देंगे। जब तक इसका पानी थोड़ा सा निकल रहा है, तब तक हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो इधर हमने एक आम लिया है, अब हम इसको छील लेंगे। आम को छीलने के बाद हम इसको काट के मिक्सी के ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारे पास बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बनके तैयार है। तो अब हम इसको भी साइड में रख देंगे। इधर दही का भी काफी सारा पानी निचोड़ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रेशर और लगा देंगे ताकि थोड़ा और पानी निकल आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत हल्के हाथों से प्रेशर देना है, वरना दही भी कपड़े को पार करके बाहर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से कपड़े में बांधकर ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं, मगर क्योंकि एक इंस्टेंट रेसिपी है, इसलिए हम हाथों के हल्के प्रेशर से इसका पानी निकाल रहे हैं। अब हम इस गाढ़े दही को इस आम की प्यूरी में डाल देंगे। एक टिन यानी 400 ग्राम कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे। और अब हम इन तीनों ही चीजों को तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक इनका एक यूनिफॉर्म स्मूथ पेस्ट बनके तैयार नहीं हो जाता। मैंगो चीज केक को हम एक कुकर में बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कुकर में एक स्टैंड रख लिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी का लेवल स्टैंड के नीचे ही होना चाहिए और हमें अपने चीज केक या भप्पा दही को बिल्कुल बिना प्रेशर के पकाना है। तो इधर हमने कुकर के ढक्कन की रबर निकाल दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है एक केक टिन और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास कोई केक टिन ना हो तो आप किसी कटोरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मैंगो, कंडेंस मिल्क और दही का मिक्सचर भी तैयार है। तो अब हम अपने ग्रीस्ड केक टिन में इसको डाल देंगे। अब हम इसको कवर करेंगे अल्यूमिनियम फॉइल से ताकि इसके ऊपर भाप का पानी जमा ना हो। और ये हमारा केक टिन तैयार हो गया है। तो अब हम इसको कुकर में रख देंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 35 से 40 मिनट तक पका लेंगे। पैंतीस मिनट हो चुके हैं, तो चलिए कुकर का ढक्कन भी खोल लेते हैं। तो अब हम इसका फॉइल निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का सा जिगल करता है जब ये पक चुका होता है और साइड्स छोड़ चुका है। तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। दो घंटे हो चुके हैं और अब इस चीज केक को डीमोल्ड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप चाहें तो इस तरीके से हाथों से भी डीमोल्ड कर सकते हैं। गार्निश करेंगे इसको कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स या मैंगो के पीसेस के साथ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बिल्कुल क्लीन बोल्ड रेसिपी है अगर आपके यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हो। अब आप इसको मैंगो भप्पा दही कह के सर्व कर सकते हैं या फिर मैंगो चीज केक कह के। एंजॉय।